इस इंग्लिश एक्ट में आपका स्वागत है और आज का एपिसोड है एक डॉग वर्सेस डॉग एपिसोड जिसमें हम कंपेयर करेंगे अमेरिकन पिटबुल टेरियर और अमेरिकन शेफर्ड शेयर टेरियर डॉग ब्रीड को। और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। अमेरिकन पिटबुल टेरियर डॉग ब्रीड का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम से है और अमेरिकन शेफर्ड शेयर टेरियर डॉग ब्रीड का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स से है। अमेरिकन पिटबुल टेरियर और अमेरिकन शेफर्ड शेयर टेरियर दोनों ही डॉग ब्रीड मीडियम साइज में होती है और ये दोनों ब्रीड प्योर ब्रेड होती है और ये दोनों ब्रीड्स टेरियर डॉग ग्रुप को बिलोंग करती है। इन दोनों डॉग ब्रीड्स की मेंटेनेंस की बात करें तो इन्हें ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इनके मेंटेनेंस में ज़्यादा पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। पिटबुल और शेफर्ड शेयर टेरियर दोनों ही डॉग्स बच्चों और फैमिली के लिए अच्छे कंपेनियन डॉग होते हैं। अमेरिकन पिटबुल टेरियर डॉग्स की हाइट मेल्स में 18 से 21 इंच होती है और फीमेल्स में 17 से 20 इंच होती है। अमेरिकन शेफर्ड शेयर टेरियर डॉग्स की हाइट मेल्स में 18 से 20 इंच होती है और फीमेल्स में 16 से 18 इंच होती है। अमेरिकन पिटबुल टेरियर डॉग्स का वेट मेल्स में 15 से 27 किलो होता है और फीमेल्स में 13 से 22 किलो होता है। अमेरिकन शेफर्ड शेयर टेरियर डॉग्स का वेट मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही 18 से 27 किलो होता है। पिटबुल डॉग ब्रीड इंडिया में 15,000 से 20,000 रुपए के बीच मिल जाते हैं और शेफर्ड शेयर टेरियर डॉग ब्रीड इंडिया में 19,000 से 25,000 रुपए के बीच मिल जाते हैं। अमेरिकन पिटबुल टेरियर और शेफर्ड शेयर टेरियर दोनों डॉग ब्रीड्स में से अमेरिकन पिटबुल टेरियर डॉग्स ज़्यादा शेड करते हैं अमेरिकन शेफर्ड शेयर डॉग के मुकाबले। पिटबुल और शेफर्ड शेयर टेरियर दोनों डॉग ब्रीड के पास शॉर्ट कोट होता है जिससे कि इन दोनों ही डॉग्स की ग्रूमिंग बहुत आसानी से हो जाती है। अमेरिकन पिटबुल टेरियर डॉग ब्रीड कई कोट कलर्स में होते हैं जैसे कि ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, रेड, वाइट एंड येलो, और वहीं अमेरिकन शेफर्ड शेयर टेरियर डॉग ब्रीड भी कई कोट कलर्स में अवेलेबल होते हैं जैसे कि ब्लैक, ब्लू, ब्राउन और वाइट। इन दोनों डॉग ब्रीड्स के लाइफ स्पैन की बात करें तो अमेरिकन पिटबुल डॉग ब्रीड अमेरिकन शेफर्ड शेयर डॉग ब्रीड से ज़्यादा जीते हैं। अमेरिकन पिटबुल डॉग ब्रीड की लाइफ स्पैन 8 से 15 ईयर्स के बीच होती है और अमेरिकन शेफर्ड शेयर डॉग ब्रीड की लाइफ स्पैन 10 से 12 ईयर्स के बीच ही होती है। इन दोनों डॉग ब्रीड्स के टेम्परामेंट पे बात करें तो अमेरिकन पिटबुल और अमेरिकन शेफर्ड शेयर टेरियर दोनों ही अपनी फैमिली के लिए लॉयल और प्रोटेक्टिव होते हैं। पिटबुल डॉग ब्रीड शेफर्ड शेयर डॉग ब्रीड से ज़्यादा जिद्दी होती है। अमेरिकन पिटबुल और शेफर्ड शेयर टेरियर दोनों ही डॉग्स फर्स्ट टाइम ओनर के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इन दोनों डॉग ब्रीड्स की ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ता है और इन डॉग्स को हैंडल करना बच्चों का खेल नहीं है। इन डॉग्स के लिए आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा तभी आप इन डॉग्स को काबू में रख पाएंगे। अमेरिकन पिटबुल टेरियर डॉग ब्रीड का लिटर साइज 5 से 10 पपीज का होता है और अमेरिकन शेफर्ड शेयर टेरियर डॉग ब्रीड्स का भी लिटर साइज 5 से 10 पपीज का ही होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हंटिंग, ट्रैकिंग या वेट पुलिंग के लिए डॉग चाहिए तो अमेरिकन पिटबुल टेरियर इन कामों के लिए अच्छी डॉग ब्रीड है। तो अब काफी व्यूअर्स के मन में एक सवाल होगा कि इन दोनों डॉग ब्रीड्स में से मेरे लिए कौन सी सही ब्रीड रहेगी। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने कुछ पॉइंट्स क्लैरिफाई करे हैं। हमारा पहला पॉइंट है ट्रेनिंग। अमेरिकन पिटबुल टेरियर डॉग ब्रीड को ट्रेन करना आसान है अमेरिकन शेफर्ड शेयर डॉग ब्रीड के मुकाबले। हमारा दूसरा पॉइंट है वॉच डॉग एबिलिटी। अमेरिकन शेफर्ड शेयर डॉग ब्रीड अच्छे वॉच डॉग होते हैं अमेरिकन पिटबुल के मुकाबले। अगर आपके घर में कोई इंट्रूडर आ जाता है तो ये डॉग भौंक के आपको चौकन्ना कर देंगे और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी। अमेरिकन शेफर्ड शेयर डॉग ब्रीड आसानी से अपने आप को अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं और वहीं अमेरिकन पिटबुल अपने आप को इतनी अच्छी तरह से अडेप्ट नहीं कर पाते। हमारा चौथा पॉइंट है एक्सरसाइज नीडेड। अमेरिकन पिटबुल टेरियर डॉग ब्रीड्स को अमेरिकन शेफर्ड शेयर टेरियर से ज़्यादा एक्सरसाइज की नीड होती है। और फ्रेंड्स, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसे एक्सरसाइज और फिटनेस एक्टिविटीज़ का शौक है तो अमेरिकन पिटबुल आपके लिए एक अच्छा कंपेनियन एक्सरसाइज पार्टनर बन सकता है। हमें उम्मीद है कि इन पॉइंट्स से आपकी हेल्प हुई होगी और आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि इन दोनों डॉग ब्रीड्स में से आपकी फेवरेट डॉग ब्रीड कौन सी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डॉग वर्सेस डॉग एपिसोड जिसके अंदर हमने कंपेयर करा अमेरिकन शेफर्ड शेयर टेरियर और अमेरिकन पिटबुल टेरियर डॉग ब्रीड को। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।